हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल कुमार एंड वेलकम टू अवर चैनल मास्टर्स इन आईटी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, बात कर लेते हैं नेटवर्क टॉपोलॉजी के बारे में। देखिए, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो टॉपोलॉजी मतलब होता है किसी भी नेटवर्क का एक लेआउट। ठीक है, तो किसी भी नेटवर्क का एक मैप को हम क्या बोलते हैं, टॉपोलॉजी बोलते हैं। लेआउट मतलब उस नेटवर्क में डिवाइस कैसे आपस में कनेक्ट हो रहे के हैं, किस किस तरीके से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उस पूरे एक लेआउट को बोलते हैं हम टॉपोलॉजी। ठीक है, देखिए बेसिकली दो टाइप की हमारी टॉपोलॉजी होती है। सबसे पहले होती है हमारी फिजिकल टॉपोलॉजी एंड सेकेंड इज लॉजिकल टॉपोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल टॉपोलॉजी की। अब देखिए, फिजिकल टॉपोलॉजी मतलब क्या होता है, फिजिकल टोपोलॉजी मतलब होता है कैसे उस नेटवर्क में डिवाइस आपस में कनेक्ट हो रखे हैं, फिजिकली कैसे वो आपस में कनेक्ट हो रखे हैं, वो हमें बताता है फिजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, अब सेकंड आता है लॉजिकल टोपोलॉजी। अब लॉजिकल टोपोलॉजी मतलब ये होता है कि जो डिवाइस आपस में कनेक्ट हो रखे हैं आपके एक नेटवर्क में, उसमें डेटा कैसे फ्लो कर रहा है, वो हमें बताता है लॉजिकल टोपोलॉजी। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक कंपनी है, ये आपकी एक कंपनी है। ठीक है, अब इसमें आपका एक सर्वर रखे हैं, चार सिस्टम उससे कनेक्ट हो रखे हैं। अब इसका जो एक मैप है, ठीक है, एक नॉर्मल का लेआउट बना रखा है हमने, तो ये हमारी होगी टॉपोलॉजी। ठीक है, अब हमने बताया दो टाइप होते हैं, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। अब फिजिकल में क्या देख रहे हैं, ये देखिए आपकी सर्वर है यहाँ पे, उससे चार मशीनें आपकी कैसे कनेक्ट हो रही थी, यानी कि फिजिकली कैसे कनेक्ट हो रही है। एक सर्वर से एक वायर जा रही है जो कि कंप्यूटर वन से कनेक्ट हो रही है, वही वायर कंप्यूटर थ्री से कनेक्ट हो रही है और एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर फोर से कनेक्ट हो रही है। तो फिजिकली कैसे ये आपस में कनेक्ट हो रही है, ये हमें बताते हैं फिजिकल टॉपोलॉजी। एंड जो देखिए जो लॉजिकल टॉपोलॉजी में हो रही है, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है सर्वर और कंप्यूटर के बीच में, ये हमें बताता है लॉजिकल टॉपोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए, फिजिकल टॉपोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें आपके आते हैं बस टॉपोलॉजी, स्टार टॉपोलॉजी, रिंग टॉपोलॉजी, मैश टॉपोलॉजी, ट्री टॉपोलॉजी एंड हाइब्रिड टॉपोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे बस टॉपोलॉजी की। तो बेसिकली बस टॉपोलॉजी ऐसी टॉपोलॉजी होती थी जिसमें जो आपके कंप्यूटर होते थे वो एक कोएक्सियल केबल से क्या होते थे, कनेक्ट होते थे। ठीक है, उसमें एक कोएक्सियल केबल यूज होती थी, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, एक सिंगल केबल यहाँ पे यूज हो रही है, इसको हम बैकबोन भी बोलते हैं। अब उस केबल के साथ एक टी शेप कनेक्टर क्या होते थे, अटैच होते थे, और उससे आपके कंप्यूटर क्या होते थे, कनेक्ट होते थे। ठीक है, और यहाँ लास्ट में आप ये देखिए, यहाँ पे एक टर्मिनेटर भी यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक टर्मिनेटर क्या था, लगाया जाता था कोएक्सियल केबल के एंड में। अब टर्मिनेटर मतलब क्या होता है, टर्मिनेटर का काम क्या होता था, बेसिकली जो भी आपके सिग्नल ट्रांसफर होते थे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए कंप्यूटर फोर से कोई सिग्नल जा रहा है कंप्यूटर टू की तरफ, तो जब वो सिग्नल जाएगा टर्मिनेटर की तरफ, ये क्या करता है, टर्मिनेटर काम क्या होता है, बेसिकली जो भी आपके सिग्नल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उनको बाउंस बैक नहीं होने देता। ठीक है, अगर मान लीजिए टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा, जो सिग्नल यहाँ से जा रहा होगा यहाँ पे वापस क्या आएगा, इसी नोड पे वापस आएगा। ठीक है, अगर वो उसी रास्ते वापस जाएगा क्या होगा, हमारा कोलिजन होगा, कोलिजन मतलब ट्रैफिक। ठीक है, तो टर्मिनेटर मतलब टर्मिनेटर का काम क्या होता है, सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंपल एंड लो कॉस्ट। सिंपल एक सिंपल होता था बस टॉपोलॉजी को बनाना, और क्या होता है, बहुत कम पैसों में ये बन जाती थी, या सिंगल केबल कॉल्ड अ बैकबोन। जैसे मैंने आपको बताया, एक सिंगल केबल जो कि कोएक्सियल केबल होती थी, वो होती थी आपकी बैकबोन होती है। ठीक है, ओनली वन कंप्यूटर कैन सेंड मैसेजेस एट अ टाइम, इसका मतलब है एक ही कंप्यूटर एक बार में कोई डेटा भेज सकता है, यानी कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक टाइम पे डेटा नहीं भेज सकते। एक टाइम पे या तो कंप्यूटर वन डेटा भेजेगा, या कंप्यूटर टू, कंप्यूटर थ्री, या फिर कंप्यूटर फोर। ठीक है, देखिए बस टोपोलॉजी के अंदर जो कि आपके कनेक्टर्स वगैरह होते थे वो ये होते हैं। सबसे पहले जी होता है आपका एडेप्टर। ठीक है, आपने बस टोपोलॉजी अगर शायद पढ़ी भी होगी पहले, तो बहुत कम लोग ऐसे बताते हैं किस तरह से उसमें डिवाइस कनेक्ट होते हैं, सब ऐसे ही बोल देते हैं कि डिवाइस उसमें कनेक्ट होते हैं। बट देखिए, ये होता है वो अडेप्टर जो कि आपकी कोएक्सियल केबल से अटैच होता है। ठीक है, ये लगता है आपके पीसी में अडेप्टर, इससे आपकी क्या होती थी बस टोपोलॉजी में पीसी आपके कनेक्ट होते थे। अब देखिए, ये होते हैं वो टर्मिनेटर जो कि क्या, सिग्नल को टर्मिनेट करते हैं, यानी कि सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको बाउंस बैक नहीं होते होने देते। ठीक है, और ये होता है टी शेप कनेक्टर जिसमें आपकी कोएक्सियल वायर अटैच होती थी। ये होता है आपका बीएनसी कनेक्टर, ये होते हैं आपके कोएक्सियल केबल जो कि आपने घरों में भी देखी होगी, आपके केबल टीवी में जो केबल की तार आती है ना, वही उसी को हम कोएक्सियल केबल बोलते हैं। और बेसिकली ये आपकी फुल बनती थी बस टोपोलॉजी की केबल। तो दोस्तों, समझ में आ गई होगी आपको बस टोपोलॉजी क्या होती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार टॉपोलॉजी की। बेसिकली आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो हमारी टॉपोलॉजी होती है वो हमारी स्टार टॉपोलॉजी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, इसमें एक जैसे इसमें क्या होता है ना, एक सिंगल डिवाइस यानी कि एक सेंट्रल डिवाइस हमको एस्टैब्लिश करना पड़ता है, उसमें हम सारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, हम उसमें अटैच करते हैं। देखिए जैसे यहाँ क्या हो रखा है, एक हब और या फिर स्विच, ठीक है, इससे सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं, ठीक है। इससे क्या कह रहा है, ईच कंप्यूटर एज अ केबल कनेक्टेड टू अ सिंगल पॉइंट, एक सेंट्रल डिवाइस एस्टैब्लिश होता है जिसमें सारे क्या होते हैं कंप्यूटर उसमें अटैच कराए जाते हैं, ठीक है। मोर केबलिंग हैंस हायर कॉस्ट। अब इस कॉस्ट थोड़ी हायर पड़ती है, क्यों, क्योंकि ज्यादातर हमें इसमें हमें ज्यादा केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक सिंगल केबल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, हर कंप्यूटर के लिए अलग केबल चाहिए। ऑल सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू द हब इफ डाउन एंटायर नेटवर्क डाउन। इसमें एक डिसएडवांटेज बेसिकली क्या आता है, अगर आपका मेन जो यूनिट है यानी कि जो मेन डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस है जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो रखे हैं, अगर वो डाउन हो गया ना, आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है। टू और मोर कंप्यूटर्स में सेंड मैसेजेस एट सेम टाइम। इसका मतलब क्या, जैसे बस टॉपोलॉजी में क्या हो रहा था, एक सिंगल कंप्यूटर सेंड कर सकता था डेटा एक टाइम, बट यहाँ पे क्या, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं एक ही टाइम में, ठीक है। तो जो स्टार टॉपोलॉजी में हमारा स्विच यूज होता था, देखिए ये इस टाइप के स्विच होते हैं आपके, जो कि आपके यूज होते हैं, ये आपकी इथरनेट केबल है, इसमें आपके अटैच होते हैं और आपका स्विच रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नेटवर्क में आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग टॉपोलॉजी के बारे में। अब देखिए रिंग टॉपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर होते हैं यानी कि जो फर्स्ट कंप्यूटर होता है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, हमारे लास्ट कंप्यूटर से, और इसमें जो डेटा ट्रैवल होता है वो एक रिंग की फॉर्म में होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम में देख पा रहे हैं, कंप्यूटर वन डेटा भेज रहा है कंप्यूटर टू को, फिर टू थ्री को, थ्री फोर को, फोर फाइव को, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या था, अगर किसी भी कंप्यूटर को डेटा भेजना है, अगर मान लीजिए वन कंप्यूटर को भेजना है कंप्यूटर फोर को, तो सबसे पहले वो डेटा जाएगा कंप्यूटर टू के पास, वो डेटा जाएगा कंप्यूटर थ्री के पास, देन वो जाएगा कंप्यूटर फोर के पास। इस तरीके से डेटा जो है हर किसी कंप्यूटर के पास होता हुआ जाता था, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रिंग टॉपोलॉजी, एक रिंग बना के रखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एवरी कंप्यूटर सर्व्स एज अ रिपीटर टू बूस्ट सिग्नल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे क्या, मान लीजिए कंप्यूटर वन ने कोई डेटा भेजा कंप्यूटर टू को, सॉरी कंप्यूटर वन डेटा भेजा कंप्यूटर थ्री को, तो जब वो डेटा है कंप्यूटर टू के पास, वहां पे क्या, वो सिग्नल को रीजनरेट करके आगे भेज देगा किस पे, कंप्यूटर थ्री के पास, ठीक है। तो टिपिकल वे टू सेंड, बहुत ही टिपिकल वे है डेटा को सेंड करने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है टोकन पासिंग। अब टोकन पासिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे, अब देखिए कोई भी डेटा अगर सेंड करना है किसी भी कंप्यूटर को, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे, एक वो एक क्या बोलता है, वो एक टोकन जनरेट करता था, ठीक है। मान लीजिए टोकन मतलब कंप्यूटर फोर को कोई भी डेटा भेजना है कंप्यूटर वन को, तो क्या कंप्यूटर वन क्या करेगा, एक टोकन, जैसे कंप्यूटर वन में क्या करा, एक टोकन घूमेगा, ठीक है। कंप्यूटर वन से कंप्यूटर टू पे गया, कंप्यूटर टू से कंप्यूटर थ्री पे गया, वो टोकन के जरिए क्या होता है, सबको आप बारी बारी चांस मिलता है। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे एक टोकन मिलता है, तो जिसका टोकन जैसे पहले आता था उसको आगे जाके, जैसे आप ऐसे अगर आप वहाँ पे पैसे वगैरह निकालते हैं, तो वहाँ पे कई बैंकों में क्या होता है, आपको एक टोकन मिलता है, तो जिसका टोकन आएगा वो वही जाता है पैसे निकालने के लिए। तो ऐसे ही इसमें भी होता है, जिसके पास टोकन होगा वही डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है। तो उसमें आपका टोकन पासिंग मेथड चलता था, ओनली द कंप्यूटर गेट्स अ टोकन कैन सेंड डेटा। वैसे जैसे मैंने आपको बताया, जिसके पास टोकन होता है वही डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये तो सिंगल रिंग हो गया, इसी तरीके से एक होता है डुअल रिंग। अब डुअल रिंग टॉपोलॉजी में, डुअल रिंग में क्या होता है, बेसिकली दो रिंग यूज होती हैं आपकी, ठीक है। उसमें क्या होता है आपका, अगर आपकी पहली यानी कि प्राइमरी केबल डाउन हो जाती है, तो जो डेटा होता है वो आपका सेकंड, जो आपकी सेकेंडरी केबल यानी कि जो आपकी दूसरी केबल होती है उस पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं डुअल रिंग टॉपोलॉजी, ठीक है। इसमें आपकी दो केबल यूज होती है, जो सेकंड केबल होती है वो आपकी एज अ बैकबोन काम करती है। अगर आपकी प्राइमरी केबल डाउन हो जाती है ना, तो जो डेटा होता है वो दूसरी केबल से ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और जैसे आपने हम बात की टोकन रिंग की, इसी तरीके से एक आपका FDD भी आता है, FDDI, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली आपकी जो जैसे कॉन्सेप्ट पूरा रिंग टॉपोलॉजी का ही होता है, बट उसमें जो केबल यूज होती है वो होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। उसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको रिंग टॉपोलॉजी बताई ना, इसमें जो आपका एक डिवाइस होता है, जो होता है MAU, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। जैसे हमने स्टार टॉपोलॉजी में देखा था ना, एक हब या स्विच यूज होता है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, इसी तरीके से इसमें मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट एक डिवाइस होता है, जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। इसी से सारे कंप्यूटर रिंग टॉपोलॉजी में कनेक्ट होते हैं।
ठीक है। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपका वन कंप्यूटर है, फिर थ्री है, फोर है, सारे पोर्ट हैं, आपने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, अपने कंप्यूटर अटैच कर रखे हैं, तो इस डिवाइस के अंदर ही जो होगा ना, वन कंप्यूटर जो होगा वो अंदर इस डिवाइस के अंदर कनेक्ट होगा किससे, डिवाइस वो सॉरी पोर्ट एट से कनेक्ट होगा, और जो टू पोर्ट होगा इसी तरीके से क्या अंदर ही अंदर डिवाइड के डिवाइस के अंदर एक रिंग बन रही होगी, तो इसीलिए उसको बोलते हैं रिंग टॉपोलॉजी। वो जैसे ही वन से डायरेक्ट एट पे नहीं जा सकता, वो पहले वन से टू पे जाएगा, टू से थ्री पे, थ्री से फोर पे, तब जाके वो ऐसे करते हुए एट पे जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वो डिवाइस होता है जो कि रिंग टॉपोलॉजी में यूज होता है। ये आपका कनेक्टर है जो कि यहाँ पे इसमें प्लग इन होता है, ठीक है। ये होता है आपका AUI एडेप्टर, ठीक है। ये जो ये देख रहे हैं, ये होता है आपका AUI पोर्ट। यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आपके पीसी में पोर्ट लगता है, ये आपका जो NIC सॉरी ये जो आपका एडेप्टर है ये आपके पीसी में लगता है, और यहाँ पे जो वायर होती है वो आपके कंप्यूटर की, ये इससे कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप कहते हैं मैश टॉपोलॉजी। अब बेसिकली ये ऐसी टॉपोलॉजी होती है जिसमें सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि जो मान लीजिए ये एक नेटवर्क है, ये है ये फर्स्ट नेटवर्क है, ये हमारा सेकंड नेटवर्क है, ये थर्ड है, ये फोर्थ नेटवर्क है, ठीक है। अब जो फर्स्ट नेटवर्क होगा वो इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, और इससे भी कनेक्ट होगा, यानी कि हर एक साइड अदर साइड से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, ठीक है। अब इसका जो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस का, यानी कि अगर एक साइड डाउन हो गई आपकी, तो अगर मान लीजिए आपकी ये वाली साइड डाउन हो गई, ठीक है, ये वाली साइड आपकी डाउन हो गई, तो उससे आपके नेटवर्क में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, डेटा आपका इस साइड से भी ट्रेवल कर सकता है। जैसे कि क्या कह रहे हैं, मैश नेटवर्क यूजेस सेपरेट केबल्स टू कनेक्ट ईच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क, प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब वही होता है, आपका जो जैसे जो नेटवर्क में जो डेटा ट्रैवल हो रहा होगा आपका, उससे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपका सिंगल लाइन जो है डाउन होती है, ठीक है, वो क्या दूसरे लिंक पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मैश टॉपोलॉजी, जिसमें हर एक जो आपकी साइट होती है वो आपस से, हर एक नेटवर्क आपका एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्री टॉपोलॉजी। अब बेसिकली ट्री टॉपोलॉजी वो टॉपोलॉजी होती है जो कि आपकी स्टार और बस से मिलके बनती है, ठीक है। अगर आपको स्टार टॉपोलॉजी समझ में आ गई, बस टॉपोलॉजी समझ में आ गई, तो उसको मिलाकर जो टॉपोलॉजी बनी वो होता है हमारा ट्री टॉपोलॉजी, ठीक है। अब देख यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका स्टार नेटवर्क चल रहा है, स्टार टॉपोलॉजी है। ये आपका स्विच है, स्विच से चार कंप्यूटर कनेक्ट हो रखे, ठीक है। अब आपने क्या करा, स्विच से हमारी एक यहाँ पे कोएक्सियल केबल की मदद से क्या बनाई है, एक बस टॉपोलॉजी बना दी, और उससे तीन कंप्यूटर ये कनेक्ट कर दिए, तो ये दोनों टॉपोलॉजी बना के एक टॉपोलॉजी बनती है, इसको हम बोलते हैं ट्री टॉपोलॉजी, ठीक है। दिस टॉपोलॉजी इमिटेट्स एज एक्सटेंडेड स्टार टॉपोलॉजी एंड इनहेरिट्स प्रॉपर्टी ऑफ बस टॉपोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड टॉपोलॉजी। अब बेसिकली हाइब्रिड टॉपोलॉजी क्या होती है, जो टॉपोलॉजी मतलब दो या दो से ज्यादा टॉपोलॉजी को मिला के बने, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टॉपोलॉजी। अ नेटवर्क स्ट्रक्चर हुज डिजाइन कंटेन्स मोर देन वन टॉपोलॉजी इज सेट टू बी हाइब्रिड टॉपोलॉजी, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे आपका मैंने हब और स्विच यूज़ कर रखा है, इसमें तीन कंप्यूटर कनेक्ट हैं, किसी ये भी यहाँ भी कनेक्ट हो रखे हैं, ऐसे यहाँ भी कनेक्ट हो रखे हैं। अब इन तीनों स्विच को मैंने क्या करा, एक जो इन तीनों स्विच को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, जो कि क्या बन गया, एक रिंग बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक रिंग टॉपोलॉजी बन गई हमारी, और यहाँ और जो हब और स्विच था यहाँ पे क्या स्टार टॉपोलॉजी बन गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब दो या दो से ज़्यादा टॉपोलॉजी आपस में कंटेन एक आपस में मिलकर एक नई टॉपोलॉजी बनाते हैं, उसको हम हाइब्रिड टॉपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम थोड़े से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली बस टॉपोलॉजी के बारे में एडवांटेज की बात कर लें, तो क्या होता है, इजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर एंड इनएक्सपेंसिव। एंड डिसएडवांटेज क्या होता है, बैरल कनेक्टर यूज टू एक्सटेंड द केबल्स लेंथ कैन वीकन द सिग्नल्स, ट्रबल शूटिंग अ बस कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। बेसिकली क्या है, बस टॉपोलॉजी में क्या है, इजी टू इंस्टॉल है, हम इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कन्फिगर कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आता। बट क्या है, इसमें थोड़ी ट्रबल शूटिंग का इसमें क्या दिक्कत होती है। बट जैसे मान लीजिए आपके आपके 7-8 सिस्टम जो इससे कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है, अगर आपको कोई भी नेटवर्क में कोई भी इशू आता है, तो ट्रबल शूट करना यानी कि उसके प्रॉब्लम क्या है उसको पता लगाने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हर कंप्यूटर डेटा को एक लीनियर फॉर्म में डेटा जो ट्रैवल करता है, इसलिए क्या होता है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी कई बार क्या होते हैं, वीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टार टॉपोलॉजी। स्टार टॉपोलॉजी का एडवांटेज क्या है, बेसिकली इजीली एक्सपेंडेड, इजियर टू ट्रबल शूट, इजीली हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब अगर चार सिस्टम हमारे स्टार टॉपोलॉजी में कनेक्ट हो रहे हैं स्विच की मदद से, तो हम पांचवा सिस्टम भी इजीली उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें हमें नेटवर्क वगैरह डाउन होने की कोई जरूरत नहीं कि पूरा नेटवर्क डाउन करना पड़ेगा तब जाके हम सिस्टम कनेक्ट करेंगे, उसमें ऐसा कुछ कोई बात नहीं होता। हम इजीली उसमें क्या अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इजी टू ट्रबल शूट है, हम इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं कौन सा सिस्टम डाउन हो रखा, क्योंकि हर सिस्टम क्या अपने अलग अलग पोर्ट से
कनेक्ट होते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, द हब कैन बी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है स्टार टॉपोलॉजी में, अगर आपका मेन डिवाइस यानी कि जो आपका स्विच है वो अगर स्विच हब है जो वो अगर फेल हो जाए तो आपका एंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, रिक्वायर्स मोर केबल देन अदर टॉपोलॉजीज। अब इसमें क्या है, बेसिकली आपको ज्यादा केबल की जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि आपको हर एक डिवाइस को मतलब सॉरी हर एक कंप्यूटर को उस डिवाइस से कनेक्ट करना होता है, ठीक है। ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। रिंग टॉपोलॉजी की बात करें तो एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स एन ऑर्डरली नेटवर्क इन विच एवरी डिवाइस हैज एक्सेस टू टोकन एंड कैन ट्रांसमिट। इसका मतलब क्या हुआ, एडवांटेज क्या हुआ, अब इसमें क्या होता है, हर डिवाइस को एक एडवांटेज होता है, यानी कि अगर हमने बात करी थी ना कि हर डिवाइस पे एक टोकन आता है, वो टोकन जिसके पास होता है वही डेटा ट्रांसफर कर सकता है, तो उसमें क्या है, ये एक एडवांटेज है, ठीक है। हर डिवाइस को एक अथॉरिटी है कि वो डिवाइस को डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, माल फंक्शनिंग वर्क स्टेशन एंड केबल्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एंटायर नेटवर्क। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई भी सिस्टम, जैसे मान लीजिए चार कंप्यूटर कनेक्ट हो रखे हैं एक रिंग टॉपोलॉजी में, कोई भी सिस्टम डाउन होता है तो पूरे नेटवर्क पर उसका असर पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। लास्ट हम बात करते हैं अगर मैश टॉपोलॉजी की, तो बेसिकली मैश टॉपोलॉजी का एडवांटेज क्या है, एनहेंस्ड फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइडेड बाय रेडंडेंट लिंक्स। एनहेंस्ड फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया था, सबसे ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंस में हमें मिल जाता है क्योंकि हर एक डिवाइस हमारा हर एक साइड से कनेक्टेड होता है, हमें कोई चिंता की बात नहीं होती अगर एक हमारी जो एक लाइन जो हमारी डाउन हो गई तो जो नेटवर्क जो डेटा ट्रैवल हो रहा है वो किसी दूसरी लाइन से भी जा सकता है, ठीक है। ईजी टू ट्रबल शूट होता है, ठीक है, ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम क्या है तो हम इजिली उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, डिफिकल्ट होता है इंस्टॉल करने के क्योंकि इतनी सारी साइट्स होती हैं हर किसी को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है एंड मेंटेन करने के लिए भी। कॉस्ट टू प्रोवाइड रेडंडेंट लिंक, अब थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है क्योंकि हमें इतनी सारी साइट्स को देखना पड़ता है, हर किसी को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए क्या थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज थी। तो फ्रेंड्स इतना ही था आपकी टॉपोलॉजी के बारे में, अगर आपको इसमें कुछ ऐसा डाउट वगैरह है जो आपको समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कोई चाहते हैं कि आप किसी टॉपिक पे आप कन्फ्यूज़ हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है उस पर हमें बता सकते हो, मैं ज़रूर आपको उस पर वीडियो ला के दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।